ना ही तुम्हें अल्फा बीटा जीरोस हैं इस वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक के, यानी टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री के हमारे हैं अल्फा बीटा जीरोस हैं। क्या हैं? अल्फा बीटा आपके हैं जीरोस किसके? टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का थ्री, टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस का थ्री इसके हैं जीरोस अल्फा बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? क्या वो माइनस का बी अपॉन ए से, क्या ये फोर आ जाएगा? क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर फोर आ जाएगा? देखो जरा फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस थ्री है, अगर आपके पास टी स्क्वायर माइनस का फोर टी प्लस थ्री है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस का बी अपॉन ए होगा, ये तो वन है इसका, ए वन है ना, प्लस फोर आ गया। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं जो कि सी अपॉन ए होता है, यानी थ्री आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर थ्री, अल्फा की पावर थ्री बीटा की पावर फोर, ये आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। तो क्या करिए, पहले स्टेप में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर यहां पे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लिया जाए तो यहां से बचेगा अल्फा और यहां से बचेगा बीटा। आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आ रहा हो। मैंने क्या करा, मैंने यहां पे सिंपली अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को कॉमन ले लिया तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। तो ये वाला जो टर्म है आपका वो बन जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब और ये आपका अल्फा प्लस बीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो थ्री है तो ये थ्री का क्यूब हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा बेटा फोर है तो ये फोर रख दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू फोर, यानी 108 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी पार्ट आपका आंसर आ गया। और सचिन ने आंसर दे दिया इसी बात पे, बी पार्ट आपका आंसर हो गया। तो सिंपल तरीके से हमने कर लिया सॉल्व, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। क्या करा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया है।